प्रधानमंत्री और उनके बाकी समर्थक तो ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 2014 70 साल में कुछ नहीं रहता तो क्या बेचता, रेल भेल हवाई अड्डा सब तो बेच दिया। जिस देश का अध्यक्ष व्यापारी है ना, वहाँ की जनता भिखारी। ये जो बिजनेस क्लास से आते हैं ना, बिजनेस ही कर रहा है। जितना कांग्रेस का बनाया है वो सबको बेच दे रहा है। वो तो पक्का बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के लिए ही काम कर रहा है। यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो भी महिला है, यशस्वनी है, वो कैसी लगती हैं आप लोग? उसके पास बहुत सारा अनुभव है, अच्छा एजुकेशन है। वो इस क्षेत्र में अभी पहली बार चुनाव लड़ रही है, ये बात है, लेकिन वो बहुत सारा काम कर चुकी है और वो आगे देश को बढ़ा सकती है। यशस्वनी को हम लोग अभी नए ही जान रहे हैं, लेकिन जिस जैसी योग्यता है, पढ़ी लिखी है। और एक चीज कांग्रेसियों में है कि उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वो लोग सच का साथ देते हैं और गरीबों के साथ में रहते हैं। उसके बहुत से कार्य को हमने जाना है कि वो कितना सोशल वर्क करती है। एक नम्र महिला है, सभी की सुनती है और सभी के लिए काम करने के लिए वो तैयार है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। रांची संसदीय सीट पर 25 मई को मतदान होना है। प्रियंका गांधी की सभा है जहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। यहाँ पर रांची संसदीय सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी भी एक महिला को बनाया है, यशस्वनी प्रत्याशी हैं। थोड़ी महिलाएं जो यहां पर आई हैं उन लोगों से थोड़ी बातचीत करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आज प्रियंका गांधी झारखंड आ रही हैं इस लोकसभा चुनाव में पहली बार, कितने खुश हैं आप लोग, उत्साह कितना है? बहुत उत्साह हैं हम लोग, और हमारा ये झारखंड में आ रही है, बहुत काफी यहाँ पर देख रहे हैं, सभी एकदम उत्साहित हैं। और इस बार हम लोग एकदम पंजा छाप को सियोर एकदम जिताएंगे और केंद्र में राहुल गांधी को जरूर एकदम बैठाएंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी को आप लोग पहली बार सामने से सुनेंगे, पहले भी सुनी है कभी? सुनी है पहली बार, पहले भी, लेकिन अभी सामने से यहाँ फेस टू फेस पहली बार सुनेंगे। अच्छा, फेस टू फेस पहली बार आप लोग सुन रही है ना। अच्छा, यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो भी महिला है, यशस्वनी है, वो कैसी लगती है आप लोग? बहुत अच्छी लगती है, बातचीत में बहुत एजुकेटेड भी है और पूरा फील्ड में ये घूम रही है, एक जमीनी स्तर पर ये मिलजुल रही है। आगे उम्मीद है आगे भी ये ग्रामीणों के लिए, सभी सभी जनों के लिए काम करेंगे। यहाँ पर और लोग हैं। मैम, आज प्रियंका गांधी की सभा है, प्रियंका गांधी की सभा है, कितने उत्साहित हैं आप लोग उनको सुनने के लिए? हम लोग तो उसकी सभा को सफल बनाने के लिए है ना, कि कांग्रेस जो भी करेगा हम लोग का हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करेंगे। अच्छा, आप लोग चूंकि महिला आप लोग हैं, प्रियंका गांधी इतना देश भर में घूमती हैं, आप लोगों को कभी ये डिमांड या मांग रहती है कि प्रियंका गांधी ही नेतृत्व करें देश का भी, अगर गठबंधन जीतता है तो? गठबंधन जीतता है तो कौन करेगा, महिला में इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी तो उसको तो नहीं करने देगा ना, क्योंकि है ना भाजपा सरकार, उसको तो उसको गद्दी में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा राजनेता हो जो कि हम लोग की भलाई के लिए करे, जनता की निस्वार्थ भाव से सबके भलाई के लिए करे, किसी का धर्म जाति को लेके ना करे। चलिए मैम, एक सवाल हम पूछेंगे थोड़ा सा। अभी चूंकि प्रियंका गांधी देश भर में घूम के प्रचार कर रही हैं अपने भाई के लिए, पार्टी के लिए, उनको कितना आप लोग कभी ऐसा मन में आता है कि अगर उनको देश भी संभालने का मौका मिले, अगर वो नेतृत्व करें तो, ऐसा सोचती हैं आप लोग? हाँ, जरूर सोचते हैं, और वो नेतृत्व करेगी तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक सच्ची नेता है और अच्छा नेतृत्व करती है, इसीलिए हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। महिला है आप लोग और रांची में महिला को ही प्रत्याशी बनाया, यशस्वनी को आप लोग सुन रही हैं, देख रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, उसके बहुत से कार्य को हमने जाना है कि वो कितना सोशल वर्क करती है। एक नम्र महिला है, सभी की सुनती है और सभी के लिए काम करने के लिए वो तैयार है। इसलिए हम लोग उसको चाहते हैं कि सारे मन से कि वो हमारा नेतृत्व करे और वो जीते। अब जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो लोग बोलते हैं उनके पास अनुभव नहीं है, संगठन का नहीं, काम करने का नहीं, आप लोग क्या बोलेंगे उसको? हम लोग बोलेंगे कि उसके पास बहुत सारा अनुभव है, अच्छा एजुकेशन है। वो इस क्षेत्र में अभी पहली बार चुनाव लड़ रही है, ये बात है, लेकिन वो बहुत सारा काम कर चुकी है और वो आगे देश को बढ़ा सकती है, ये हम लोग जानते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, कितने उत्साहित हैं प्रियंका गांधी की सभा को लेकर? बहुत उत्साहित है,
वो हमारी हम लोग पहले से ही कांग्रेस के ही सपोर्टर रहे हैं और वो उसमें सारी योग्यता है इस मतलब ये में आने के राजनीति में आने के लिए अपने कांग्रेस में मतलब लीडरशिप करने के लिए। यशस्विनी कैसे लगती हैं उम्मीदवार? यशस्विनी को हम लोग अभी नए ही जान रहे हैं लेकिन जिस जैसी योग्यता है पढ़ी लिखी है और एक चीज कांग्रेसी कांग्रेसियों में है कि उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वो लोग सच का साथ देते हैं और गरीबों के साथ में रहते हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास मतलब युवा है, अनुभव नहीं है, वो कैसे संजय सेठ का मुकाबला करेंगे? हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। आजकल बच्चा बच्चा को आप इंटरव्यू लीजिएगा, सब लोग देख रहे हैं राजनीति में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, एक बच्चे को भी सारे नॉलेज आने लग रहा है, तो हम सारे लोग जान रहे हैं, अच्छी रहेगी हमारे लिए। आप कुछ कहना चाह रही हैं मैम? क्या प्रियंका गांधी की सभा को लेकर, प्रियंका गांधी के व्यक्तित्व को लेकर क्या अच्छा लगता है? प्रियंका गांधी के व्यक्तित्व को लेकर नहीं, हम लोग कांग्रेस को एक बचपन से देखते आए हैं, आज के 70 साल में जो उसने किया है, एक पढ़े लिखे आई है, जितना पंचवर्षीय योजना है कांग्रेस ने बनाया है ना, रेल भेल सेल, इवन हम सोचते हैं कि आपका बैंक भी 14 बैंक या 18 बैंक है नेशनलाइज किया था कांग्रेस ने, है ना, कांग्रेस ने। आज मोदी ने उसको क्या किया है, मर्ज करके रोजगार नष्ट कर दिया है ना, कितने मतलब मर्ज कर देने से तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है कि नहीं। आज जितना भी आपका पंचवर्षीय योजना के चलते जितना डैम बना है, जिसके चलते है ना बिजली का आपूर्ति हो रहा है, कारखाना चल रहा है, कौन बनाया? कांग्रेस बनाया है। प्रधानमंत्री और उनके बाकी समर्थक तो ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 2014 70 साल में कुछ नहीं रहता तो क्या बेचता, रेल भेल हवाई अड्डा सब तो बेच दिया है, कौन बेचा? कौन बेचा? रहता नहीं तो क्या बेचता है? जिस देश का अध्यक्ष व्यापारी है ना, वहाँ की जनता भिखारी। ये जो बिजनेस क्लास से आते हैं ना, बिजनेस ही कर रहा है, जितना कांग्रेस का बनाया है वो सबको बेच दे रहा है, वो तो पक्का बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के लिए ही काम कर रहा है, वो आम आदमी के लिए काम नहीं कर रहा है वो। अच्छा, यशस्विनी सहाय की उम्मीदवारी को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब उनको उम्मीदवार बनाया गया तो बोला गया उनके पास अनुभव नहीं है संगठन में, राजनीति में, कैसे मुकाबला करें? सबसे बड़ी चीज एजुकेशन है, अगर एजुकेशन है तो वो कुछ भी कर सकती है, लीड कर सकती है, पूरे कांग्रेगेशन को जमा मतलब मान सकती है, सबसे बड़ा होता है एजुकेशन। आप कुछ कह रहे? सुनिए ना, बीजेपी को संगठन बनाने में कितने साल लगे आप बता सकते हैं? जब हम लोग छोटे छोटे थे जनसंघ के बारे में जानते थे और उसके बाद में बीजेपी आया है, तब जाके आज बीजेपी खड़ा हुआ है, लेकिन खड़ा हुआ लेकिन देश के लिए क्या किया, क्या किया हम पूछते हैं? सब चीज तो उठा पटा के यह कर दिया, सब में टैक्स, चावल में टैक्स, दाल में टैक्स, तेल में टैक्स, सब में टैक्स है कि नहीं, तो हम लोग तो देखिए ये महिलाएं हैं और प्रियंका गांधी की सभा को लेकर उत्साह है, यशस्विनी सहाय की उम्मीदवारी पर भी खुलकर बोल रही हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in